इन तस्वीरों में आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर चल रहे तनाव को देख रहे हैं। ये तस्वीरें चमन बॉर्डर की है, जहां सैकड़ों की संख्या में मौजूद मजदूर हंगामा प्रदर्शन कर रहे हैं और उन पर पाकिस्तान के बॉर्डर पुलिस के द्वारा आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। ये तस्वीरें 20 फरवरी साल 2024 की हैं, जहां हजारों लोग यहां पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्होंने धरना दिया, रोड ब्लॉक किया और ये चमन स्पिन बॉर्डर को खोलने की मांग कर रहे हैं। ये बॉर्डर बीते 4 महीने 10 दिन से बंद है। लोग काफी नाराज हैं और लोगों का कहना है कि उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, वो भूख से मर रहे हैं, वो लोन लेने को मजबूर हैं, उनके घर में पानी और दूध तक की किल्लत हो गई है। दरअसल ये बॉर्डर पाकिस्तान ने ये कहते हुए बंद कर दिया कि अब वो सिर्फ पासपोर्ट धारक अफगानियों को ही अपने इस गेट से आने की मंजूरी देगा। ये एक मित्र द्वार है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में बना हुआ है। यहाँ रोजाना हजारों सैकड़ों की संख्या में लोग पार करके पाकिस्तान में मजदूरी करने के लिए जाते थे, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने एक नियम लाया और ये कह दिया कि अब सिर्फ वो लोग जा पाएंगे जिनके पास पासपोर्ट होगा, वो भी वैध पासपोर्ट। जिसके बाद से ही बॉर्डर के उस पार रहने वाले लोगों की परेशानी काफ़ी बढ़ गई है और उन्हें रोजगार की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। इसी से नाराज लोगों ने यहाँ बॉर्डर पर प्रदर्शन किया और चमन बॉर्डर को खोलने की मांग कर रहे हैं। चमन बॉर्डर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, जहां से पर्यटक और सामानों की आवाजाही होती है, लेकिन नियम लागू हो जाने के बाद से यहां पर काफी तनाव की स्थिति बनी हुई है। लोग काफी नाराज हैं और जिस तरह से लोगों ने बॉर्डर पोस्ट पर हंगामा किया और फिर उन पर आंसू गैस के गोले दागे गए, एक बात यहां बहुत साफ दिखाई दे रही है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच रिश्ते बेहद बुरे दौर से गुजर रहे हैं। आने वाले दिनों में ये रिश्ते और भी ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं और हो सकता है कि अफगानिस्तान में मौजूद तालिबानी प्रशासन कोई सख्त कदम पाकिस्तान के खिलाफ उठाए। ऐसे में मुसीबतों से घिरा पाकिस्तान एक और मुसीबत की चपेट में आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।